नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बजट फ्रेंडली बेस्ट पावर बैंक को अनबॉक्सिंग करके रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। यदि आप एक क्रिएटर है तो या ट्रैवल वगैरह करते हैं तो बजट फ्रेंडली और ट्रैवल फ्रेंडली एक बेस्ट पावर बैंक को ढूंढ रहे हैं तो ये पावर बैंक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्सिंग करके अलग अलग डिवाइसेस के साथ टेस्ट करके देखेंगे। लेट्स बिगिन। ये पावर बैंक है दोस्तों MI पावर बैंक 3i 20,000 mAh, और MI में 10,000 mAh का भी एक अलग वेरिएंट का पावर बैंक मिलती है। और ये पावर बैंक लिथियम पॉलीमर का है। मैं आपको लिथियम पॉलीमर का ही परचेस करने के लिए रेकमेंड करूंगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर दोस्तों तीन आइटम्स है, एक USB केबल और एक पावर बैंक और यूजर गाइड। और इस पावर बैंक का एग्जैक्ट लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप उसके ऊपर क्लिक करके परचेस भी कर सकते हैं। पावर बैंक इस तरह ही देखिए, साइड इसका एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप बैटरी लेवल्स को देख सकते हैं। और ये पावर बैंक ट्रिपल आउटपुट के साथ आती है, दो USB पोर्ट्स है और एक टाइप सी का पोर्ट है और एक माइक्रो USB का पोर्ट है। और पावर बैंक के सामने आप देख सकते हैं बैटरी लेवल्स दिखते हैं। और इस पावर बैंक का चार्जिंग टाइम है दोस्तों 6.9 आवर्स। इस पावर बैंक का बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों अच्छी है, रफ एंड टफ है। और इसका वेट 434 ग्राम्स है, थोड़ा इसका वेट ज़्यादा है। यदि आप इसे भी लाइट वेट लेना चाहते हैं तो आप 10,000 mAh का ले सकते हैं। और ये पावर बैंक 18 वैट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, इसे आप फास्टली अपने फ़ोन्स को अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। और इस पावर बैंक के अंदर स्मार्ट पावर मैनेजमेंट सिस्टम है। यह क्या होता है कि जब आपका डिवाइस चार्ज फुल हो जाता है ना, तब ऑटोमेटिकली चार्ज होना बंद हो जाती है। मैं इसे पिछले 7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे डिवाइसेस के साथ रिजल्ट्स ऐसे है। मैं इसे मेरे iPhone 15 Plus को फुल चार्ज किया हूँ, इसके लिए इसने टाइम लिया है 1.5 घंटा। आपके फ़ोन के साथ थोड़ा वेरिएशंस हो सकते हैं। और मैं GoPro का एक बैटरी को इसके साथ फुल किया हूँ, उसके लिए इसने टाइम लिया है 1 आवर 45 मिनट्स। और मेरे पास रोड वायरलेस GoTo माइक्स है और उनको भी मैं इससे चार्ज किया हूँ करीबन 40 मिनट्स के अंदर, तीनों एक रिसीवर और दो ट्रांसमीटर्स चार्ज फुल हुए हैं। और मैं स्मार्ट वॉच को, एयरपोड्स को भी इसके साथ टेस्ट किया हूँ। इतने सारे डिवाइसेस को चार्ज फुल करने के बाद भी इसका बैटरी लेवल्स 4 पॉइंट्स है दोस्तों, 1 पॉइंट भी कम नहीं हुई है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक जबरदस्त पावर बैंक है। यदि आप एक बजट फ्रेंडली बेस्ट पावर बैंक को चूज करना चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें। यदि आप वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करके हर तरह के वीडियोज को एडिट करना सीख सकते हैं। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें। या तो आप roaringfilmschool.com को विजिट करके हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लाइक करें और आपके ओपिनियंस को कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।